दुनिया का पहला देश है भारत जो 5 बार जनगणना को टाला है। यहां तक कि 150 सालों के बाद हमारे 150 सालों के जनगणना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि हमारा जनगणना भारत की जनगणना 10 वर्षों में नहीं हुई। ये तो हर बार 10 वर्षों में हो जाता है। जनगणना का मतलब सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होती, जनगणना में बहुत सी चीजों को मेंशन किया जाता है, बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जो जनगणना के बाद ही सामने आते हैं। ये केंद्र सरकार की वो चाल हम लोग समझते हैं जिसके कारण वो 2011 से लेकर के 2021 की जगह जनगणना को टाल करके 2024 करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि भारत की संविधान भारत की जनसंख्या को जानती है, भारत में जाति धर्म मजहब को नहीं जानती, इसीलिए भारत के संविधान के अनुसार हम लोगों को चलना होगा, इसीलिए जातिगत जनगणना हम लोग नहीं कर सकते। 2010 में कांग्रेस के सभी सांसदों ने और विपक्षियों ने यह हड़ताल कर दिया कि देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए और यह मांग इतनी तेज रही कि मजबूरन कांग्रेस को काम करना पड़ा। तो 2011 में कास्ट एंड सोशल बेस्ड जनगणना हुआ था लेकिन उसके डाटा को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया कि कोरोना का जब पीक था, जब दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस अमेरिका से निकल कर आ रहे थे, उस कोरोना के पीक में इन्होंने जनगणना कर रहे। और केंद्र सरकार ने जब 2019 में इनकी सरकार बन रही थी उसी समय अपने चुनावी प्रचार में इन्होंने कहा था कि हम लोग जातिगत जनगणना करवाएंगे। जय हिंद साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतिम जनगणना कब हुई थी, आप सभी को पता है साल 2011, और भारत में हर 10 सालों में जनगणना होती है, तो अगली जनगणना कब होनी चाहिए थी? 2021 में। वर्तमान में किस समय पे हो? 2023 में। क्या अभी तक जनगणना हो गई? आपका कहना है नहीं। तो ऐसी क्या बात है कि भारत जैसे इतने आबादी वाले देश में जहां जनसंख्या बहुत बड़ा मैटर क्रिएट करती है, सरकार इतना लापरवाही क्यों कर रही है और जनगणना को क्यों नहीं शुरू कर रही है? 10 के जगह 12 सालों का वक्त गुजर गया, 13वें साल में हम लोग प्रवेश कर लिए और अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले सेंसस यानी कि भारत की जनसंख्या की गिनती शुरू नहीं होने वाली है, जनगणना शुरू नहीं होने वाली है। तो क्या ऐसे मेजर कारण है साथियों? आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि जनगणना क्यों नहीं हो रही है भारत में और पूरे डिटेल में विस्तार से मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में साथियों जनगणना की पूरे इतिहास को हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ वो जो मेजर इश्यूज है जिसके कारण भारत की जनगणना नहीं हुई है अभी तक, उसकी पूरी कहानी मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना। देखिए, साल 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना ब्रिटिश सरकार के द्वारा शुरू करवाया गया, लेकिन अगर बात करें विधिवत रूप में प्रत्येक 10 साल में जनगणना कब से शुरू हुआ, तो वह था साल 1881 ईस्वी। 1881 ईस्वी से ही लगातार 10 वर्षों से यह जनगणना चली आ रही थी। उस समय देश की आबादी कम थी तो उस समय जनगणना की प्रोसेस इस तरह थी कि सरकार अपने कुछ लोगों को गांव में, कस्बों में, शहरों में भेजा करती थी और वहां पे प्रत्येक परिवार में जाकर के उन परिवार के लोगों के साथ उनके घर में कितने लोग हैं, घर के लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, कितने हाउसवाइफ है, कितने पुरुष है, कितने महिला है, कहां तक पढ़े हैं, हर एक तरह का एक पर्टिकुलर फैमिली में जो नॉर्मल या तो फिर इंपॉर्टेंट आंकड़े होते हैं जो सरकार के लिए जरूरी होते हैं, उन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए सरकार अपने अधिकारियों को, सरकार अपने लोगों को भेजती है। उस समय से लेकर के वर्तमान समय तक जनगणना की यही प्रक्रिया है कि सरकार अपने लोगों को, अपने प्रतिनिधियों को भेजती है, वो परिवारों में जाते हैं, लोगों के घरों तक जाते हैं और वहां से आंकड़ा निकाल करके सरकार तक प्रस्तुत करने का काम करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक इमेज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जनगणना टीम है, ये गांव में जाकर के लोगों को समझा रही है और उन लोगों से आंकड़ा मुहैया करवा रही है। ठीक है, ऐसे में ऐसी क्या रीजन है कि 2011 में जब अंतिम, हम लोग हर जगह पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, समझ में आता है 2011 के जनगणना को हम लोग पिछले 12 वर्षों से पढ़ रहे हैं, यही एग्जाम में आ रहा है, इसी की हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं, तो 2021 गुजर गया, अब तो भैया कुछ ना कुछ, ये बहुत बड़ा रीजन है। आप लोग बस ये समझ रहे हैं कि जनगणना का मतलब होता है लोगों की गिनती, अभी कुछ ही देर में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जनगणना का मतलब सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होती, उसका मतलब बहुत से चीजों से होता है रिलेटेड। अगर मैं आपसे कहूं कि जनगणना समय से नहीं होने के कारण भारत में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप क्या समझेंगे? इस वीडियो में आप पूरा समझ जाएंगे। देखिए, कहानी को समझिए। देखिए, आप ये समझिए कि जनगणना होता कैसे है, कि जनगणना की प्रक्रिया क्या है। भारत सरकार की एक टीम है, उस टीम का नाम, एक संस्था का नाम है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेशन, यही बेसिकली जनगणना करवाती है। तो साल 2020 में ही ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेशन ने अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि 2011 के बाद उसको यही लगा था कि 2021 में अगली जनगणना होगी भाई, तो ये जनगणना करने के लिए सबसे पहले जो राज्यों के पास एक खबर भेजती है कि भैया आप एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो है उसे फ्रीज कर दीजिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री फ्रीज करने का मतलब क्या है? बेसिकली हमारा जो राज्य है, हमारे राज्य में आकर के, हमारे लोगों से आकर के आप लोग बातचीत कर सकते हैं, आंकड़ा ले सकते हैं, उसी की प्रक्रिया को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फ्रीज करना।
ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ने राज्यों से बात की, तो भारत के जितने भी राज्य हैं उनको बोल दिया गया कि भाई साहब आप एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज कर दीजिए, क्योंकि आप जब फ्रीज करेंगे उसके 3 महीने के बाद ही हम लोग जनगणना शुरू कर पाएंगे। ये जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेशन है, ये 1 अप्रैल 2020 में ही राज्यों तक खबर पहुंचा दी थी कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज कर दीजिए। ये देखिए एक दिन में तो होता नहीं है, अभी राज्य बहुत बड़ा है, राज्य में हर एक जिला हर एक कस्बा तक खबर पहुंचाने में काफी समय लगता है, तो इसके लिए प्रॉपरली समय दिया जाता है 4 से 5 महीने का। तो इस तरह से देख रहे 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2020 तक बोला कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज कर दीजिए। लेकिन साल 2020 में सरकार ने कोविड के बारे में बहाना बनाया, है ना, कि कोविड आ गया है भाई, अभी कैसे पॉसिबल है, अभी कैसे आप लोगों के घरों में जाएंगे, कैसे आंकड़ा प्राप्त करेंगे, जबकि चुनाव आराम से हो गया है ना। वो मैं इमेज के माध्यम से भी सिखाऊंगा कि चुनाव जहां पे लोगों का भीड़ होता है, लोग एक दूसरे के साथ सटते हैं, वो काम आराम से हो गया, लाखों की भीड़ जहां इकट्ठा होती है और जहां पर लोग घर घर जाकर के दूर से भी वो काम हुआ हो सकता था, दूर से भी मास्क लगा के हो सकता था, लेकिन वो काम हम लोगों ने देर कर दिया। क्यों? क्योंकि क्या मतलब है देश की तरक्की से, क्या मतलब है देश की प्रोग्रेस से, क्या मतलब है देश की कमियों से, भाड़ में जाए, है ना। सरकार को चुनाव से मतलब है, सीट पर गद्दी पर बैठने से मतलब है। देखिए समझिए साथियों, तो इस तरह से देखिए आप कि राज्य सरकारों के लेट होने के कारण, कोविड के कारण इस समय को टाल दिया गया और तब से लेकर के आज तक टाला ही जा रहा है। अभी तक 5 बार भारत की जनगणना को टाल दिया गया है, यह चिंता का विषय है। दुनिया का पहला देश है भारत जो 5 बार जनगणना को टाला है, यहां तक कि 150 सालों के बाद, हमारे 150 सालों के जनगणना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि हमारा जनगणना, भारत की जनगणना 10 वर्षों में नहीं हुई, नहीं तो हर बार 10 वर्षों में हो जाता है। अब समझिए, जब राज्यों ने यहां से समय तो टाल दिया भैया, तो अगला समय तो मांगेगा ही, तो अगला समय दिया इसने ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेशन ने, बोला कि ठीक है आप 30 जून 2023 से अपने बाउंड्रीज को फ्रीज करना शुरू कीजिए। और जब 30 जून 2023 में इन्होंने बोल दिया, तो 30 सितंबर 2023 तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम इस समय तक, इस टाइम पीरियड तक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर राज्य सरकार इसमें भी अगर देरी करती है तो जनगणना 2024 से पहले होना तो अब असंभव है, नामुमकिन है। देखिए ये एक सोची समझी चाल है, एक सोची समझी चाल है, और मैं पूरे चाल को बताऊंगा कि क्या केंद्र सरकार चाहती है, क्यों नहीं जनगणना करा रही है। वो लोग बेवकूफ नहीं है, बहुत होशियार है, और हम लोगों को मिलकर के बहुत शानदार तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, और हम लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं, वो कैसे समझिए। मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया था साथियों कि जनगणना का मतलब सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होती, जनगणना में बहुत सी चीजों को मेंशन किया जाता है, बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जो जनगणना के बाद ही सामने आते हैं। अभी तक हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार ही चल रहे हैं, जबकि भारत की आबादी उस समय के टाइम पीरियड से 25 से 30 करोड़ ज्यादा हो गई है ना। समझिए, देखिए जब भी जनगणना प्रारंभ होती है तो एक राज्य को ऑर्डर दिया जाता है कि आप अपने जिला, गांव, कस्बा, पुलिस स्टेशन, तालुका, पंचायत और एरिया की सारी डिटेल जो है हमें सबमिट कीजिए। अब राज्य सरकार इसको सबमिट करती है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि गांव में जाकर के भी उस चीज को मिलान करते हैं, प्राप्त करते हैं। जब भी जनगणना होता है तो सिर्फ लोगों की आबादी के साथ साथ उस जगह का नाम, कहीं पे अगर जगह का नाम परिवर्तन हुआ है उसको इंक्लूड किया जाता है, साथ ही साथ उस जगह का अगर ज्योग्राफी में चेंजेस हुआ है, कहीं पे नया गांव बसा है, कहीं नया शहर बसा है, उसका मैप में कुछ गतिविधि में कुछ चेंजेस आया है ना, कोई राज्य का अलग राज्य अगर बन गया है तो उसकी, उस राज्य की सीमा में जो परिवर्तन आया है, इन सभी चीजों का डिटेल विवरण जनगणना में प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि राज्य सरकार इन सभी चीजों को प्राप्त करके आरजीआई को भेज देती है, भारत सरकार के आरजीआई यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया तक भेज देती है, और इन सबको हम लोग अपडेट करने का काम करते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पढ़ते हैं जनगणना के बारे में, तब वहां पे बहुत से आंकड़े होते हैं कि जनगणना में इस तरह के, इस गांव में इस तरह का प्रोग्रेशन हुआ, यहां पर लिंग अनुपात इतना है, यहां पर गरीबी इतना है, किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, किस राज्य की इकोनॉमी अच्छी है, किस राज्य में किस प्रकार के लोग हैं, कहां पर गरीबी ज्यादा है, कहां पर बेरोजगारी ज्यादा है, ये सब सारा चीज आप लोगों को जनगणना के बाद ही पता चलती है। अब चलिए केंद्र सरकार की वो चाल हम लोग समझते हैं जिसके कारण वो 2011 से लेकर के 2021 की जगह जनगणना को टाल करके 2024 करने वाली है। देखिए 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब बीजेपी के सभी तमाम नेताओं ने अपने चुनावी प्रचार में यही कहा था कि हम लोग जातिगत जनगणना करवाएंगे। जातिगत जनगणना क्या होता है समझिए साथियों, 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुआ,
1881 ईस्वी से 10 वर्षों में जनसंख्या जनगणना शुरू हुआ। उस समय देश की आबादी थी 25 करोड़, ठीक है। 1872 से लेकर के 1931 ईस्वी तक भारत में जातिगत जनगणना होता था। जातिगत जनगणना यानी कि जितने भी निचले वर्ग के लोग हैं, ऊपरी वर्ग के लोग हैं, ST, SC, OBC, जनरल, इन सभी को कैटेगराइज करने का काम साल 1931 तक होता था। लेकिन 1931 से लेकर के आज तक जातिगत जनगणना से परहेज किया गया, यानी कि जातिगत जनगणना को रोक दिया गया। तो ऐसे में बीजेपी ने 2019 में तो वादा कर दिया है, अब उनका टाइम पीरियड होने वाला है खत्म। तो 2024 से पहले बीजेपी यही आम जनता तो यही चाहती है कि 2024 के चुनाव से पहले ये जनगणना हो जाए, क्योंकि आपने हमसे वादा किया था कि आप जातिगत जनगणना करवाएंगे। अब बीजेपी इसमें एकदम चुप है, एकदम शांत है। अगर 2024 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार जनगणना नहीं करवाती है या जातिगत जनगणना नहीं करवाती है तो ओबीसी के पास डायरेक्ट स्ट्रांग मैसेज जाएगा, क्योंकि ओबीसी समुदाय सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट किस लिए? अच्छा, प्रोटेस्ट अगर कर दिया तो केंद्र सरकार जानते हैं कि अगर ओबीसी समुदाय को हम लोगों ने जातिगत जनगणना नहीं करवाया इसलिए जनगणना को टाल रही है ना, कि हम लोग जनगणना कराने तो दो, आप लोगों को ऐसे गुमराह बनाएंगे कि जनगणना कराने तो दो, हम लोग जातिगत जनगणना ही करवाएंगे, अभी क्यों आप छटपटा रहे, थोड़ा सा कोविड ओविड आ गया, थोड़ा सा लेट हो गया, इसीलिए हम लोग जनगणना नहीं करवा रहे। अब ओबीसी समुदाय के लोग एकदम शांत बैठे रहेंगे और जैसे ही 2024 में इनकी सरकार बनी ये फटाक से लागू कर देंगे उस चीज को, जनगणना करवाएंगे ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है। देखिए मैं समझाता हूँ, ये ओबीसी कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है, बीजेपी जानती है कि ये लोग अभी प्रोटेस्ट करेंगे तो एक बड़ा वोट बैंक पे खतरा है, इसीलिए ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, जनसंख्या जनगणना को टाल रहे हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं, बहुत समझदार लोग हैं भाई साहब, है ना, बहुत समझदार लोग हैं, बेवकूफ समझने की गलती मत करना, ठीक है। हमारी और आपकी सोच जहां से खत्म होती है वहां से ये लोग सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जानबूझ के बेवकूफ बनते हैं, जब हम लोग होशियार बनने लगे ना तब ये लोग हमारे नीचे आएंगे, हमारे तमगे के नीचे आएंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यही कहना है कि जातिगत जनगणना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि जातिगत अगर हम लोग जनगणना करते हैं तो नए आरक्षण की मांगे होगी, जिससे जनरल कास्ट को और दिक्कत होगा, ओबीसी समुदाय के लोगों को भी दिक्कत होगा, ST SC का तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। तो यहां पर जनरल और ओबीसी का एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को हमें मिल सकता है, इसलिए जातिगत जनगणना आज के डेट में संभव पॉसिबल है ही नहीं। अब आप लोग चुनाव प्रचार में कुछ भी बोल देंगे और उस चीज को पूरा करना ये बहुत बड़ा दायित्व है, ये पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल होगा तो बहुत बड़ा देश में प्रोटेस्ट होगा। ये तख्ता पलट तो फिक्स है, एक ही ऐसा चीज है जो देश में तख्ता पलट कर सकता है, वो है जातिगत जनगणना। अगर वो हो गया तो देश में तख्ता पलट पॉसिबल है, समझिए, अन्यथा तख्ता पलट पॉसिबल नहीं है। यहां मैंने आप लोगों को समझाया कि 1872 से लेकर के 1931 ईस्वी तक जातिगत जनगणना होती थी। जब ये जातिगत जनगणना होती थी उस समय ओनली ST SC को कैटेगराइज किया जाता था जातिगत जनगणना में, है ना, ओनली ST SC को कैटेगराइज किया जाता था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 90 साल से किसी को नहीं मालूम कि जातियों का वास्तविक नंबर क्या है, या 1931 से लेकर के वर्तमान समय तक अगर आप आओगे तो ये 90 साल का समय टाइम पीरियड गुजर गया, ठीक है। अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है कि जातियों का वास्तविक नंबर क्या है, कौन से जाति के लोग कितना है। अब कोई अगर माइनर, मान लीजिए कि कोई बड़ा जनरल ही कास्ट का है और उसकी अगर आबादी जनसंख्या ही उस कम्युनिटी के बहुत कम हो गई तो वो तो आरक्षण की मांगे करेंगे, जिसके कारण केंद्र सरकार डर रही है कि आरक्षण की नई मांगे होंगी और कहीं ना कहीं उस प्रोटेस्ट के भीड़ में हम लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा, इसीलिए केंद्र सरकार 2024 तक टाल रही है। और भी कई रीजन है, उसको भी समझिए। देखिए हमने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि भारत की संविधान भारत की जनसंख्या को जानती है, भारत में जाति धर्म मजहब को नहीं जानती, इसीलिए भारत के संविधान के अनुसार हम लोगों को चलना होगा, इसीलिए जातिगत जनगणना हम लोग नहीं कर सकते। आगे समझिए, चुनाव में प्रचार कर देंगे, ठीक है, तो वह बात अलग होगा, एक तरह का यह जुमला होगा, लेकिन इसको सही ढंग से एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल है और आज के डेट में तो लगभग नामुमकिन है। अगर मुमकिन है तो वो करें, देखिए अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी है आप ही लोग दंगा करेंगे फिर। देखिए साल 1980 के दशक में क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हो गया। आप लोग जानते हैं कि अलग अलग स्टेट में भले ही केंद्र में कितनी बड़ी भी सत्ता हो, लेकिन आज के डेट में भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उसकी जो लोकल पार्टी है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि कितने भी बड़ा चेहरा आ जाए भारत में उन पार्टियों को हिलाया नहीं जा सकता। तो साल 1980 के दशक से ये कार्यक्रम शुरू हुआ कि क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, हर एक राज्य से एक बड़ी बड़ी क्षेत्र पार्टी निकल करके सामने आई, है ना। इन क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे खास काम अगर रहा तो वो रहा कि लोअर कास्ट को इन्होंने बराबर बराबरी पर ला करके खड़ा कर दिया, जिसके कारण हमेशा वोट बैंक
इनके हाथों में होता है, उस कम्युनिटी के लोग उनके अलावा दूसरे को कभी वोट देंगे ही नहीं। जैसे कि आप लोग जा सकते हैं यूपी में, जाइए अखिलेश यादव, यादव समाज के लोग मैक्सिमम अखिलेश यादव को वोट करते हैं। आप जाएंगे बिहार में, जाएंगे वहां भी यादव समाज के लोग लालू यादव को की पार्टी को वोट करेंगे। बंगाल में जाएंगे तो ममता बनर्जी का फैन क्रेज आप लोग देख सकते हैं। इस तरह करके भारत में कई ऐसे राज्य हैं, है ना, कि जो उसी के कम्युनिटी के लोगों को, उसी कम्युनिटी के नेता को ज्यादा वोट देते हैं, जो एक दिक्कत की बात है। देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो अगर आपका कम्युनिटी का आदमी है तो कल के डेट में आपके साथ सही ही करेगा। तो 1979 में सोशल एंड एजुकेशन से बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी के आरक्षण के मांग को लेकर के एक कमीशन का गठन किया गया, जिसका नाम था मंडल कमीशन। ये मंडल कमीशन ने ओबीसी के लिए बहुत ज्यादा काम किया, और इस मंडल कमीशन ने ही देश के इतिहास में रिजर्वेशन का नया चैप्टर जोड़ दिया, यानी कि ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला है वो इस मंडल कमीशन के कारण ही मिला है। ऐसा नहीं है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ जातिगत जनगणना की बात कही, यहां तक कि 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उनके सांसदों ने यह हड़ताल कर दिया। 2010 में कांग्रेस के सभी सांसदों ने और विपक्षियों ने यह हड़ताल कर दिया कि देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए, और यह मांग इतनी तेज रही कि मजबूरन कांग्रेस को काम करना पड़ा। तो 2011 में कास्ट एंड सोशल बेस्ड जनगणना हुआ, लेकिन उसके डाटा को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस जानते थी कि डाटा अगर हम लोग सार्वजनिक कर देंगे तो सबसे पहले प्रोटेस्ट होगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना, जीना दुश्वार हो जाएगा, ठीक है। और आरक्षण का जो ये प्रोटेस्ट होता है ना, बड़ा डेंजर होता है, जो इतिहास को जानता है वो बहुत भली बातें समझता है। तो इस तरह से आंकड़ा अगर सार्वजनिक हो जाता है तो वहां पे आरक्षण की नई मांगे शुरू हो जाती, और आरक्षण की नई मांगे शुरू हो जाती तो कहीं ना कहीं सरकार को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। इसलिए हर एक सरकार जातिगत जनगणना से बचती है। बीजेपी भी अगर जातिगत जनगणना करवा भी देती है तो उसकी डाटा को सार्वजनिक नहीं करेगी, और अगर कर देती है तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ, देखिए क्या होता है। लेकिन उनको सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं करेगा, ये लिखवा के ले लो। जब देश में जनगणना होता है तो इस तरह करके देख रहे हैं कि सरकार के प्रतिनिधि आम लोगों परिवारों गांवों कस्बों में जाते हैं, और लोगों से जाकर के वहां के आंकड़ा लेते हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं, जैसा कि मैंने बताया सारा चीज उनके परिवार का टोटल डिटेल्स जो है ये लोग लिखते हैं, और ये पेपर में लिखते हैं और सरकार तक इसको साझा करते हैं। और अभी तक मैंने दो बार बोल दिया है कि जनगणना का मतलब सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होती, आपके देश में आबादी कितनी है इसकी गिनती नहीं होती, आपके देश में नौकरी, कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, इसकी जानकारी भी कहां से मिलती है, जनगणना से मिलती है। आगे बात करेंगे साथियों, उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, किस तरह की बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे है, यह सब सारा इंफॉर्मेशन आपको जनगणना से ही मिलता है। इसके साथ अगर बात करेंगे कितने लोग माइग्रेंट हो रहे हैं, है ना, किसी भी राज्य प्रदेश के सोशल और कल्चरल डिटेल जो होता है, ये सब सभी बातें आपको जनगणना के थ्रू ही पता चलती है, जिससे सरकार को एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिसी मेकर और इकोनॉमिस्ट, ये सभी चीजों का डिटेल आंकड़ा प्राप्त होता है, और सरकार उस तरह से ही उस राज्य को बजट देती है, है ना, उस तरह से उस राज्य को बजट देते हैं कि आपके राज्य में ये समस्या है, आप अपने समस्या को निदान पाने के लिए आप इस बजट का प्रयोग कीजिए। तो वही है साथियों, समझिए कि जनगणना के आंकड़े के मुताबिक ही सरकार जो है उस राज्य की हेल्प करती है, साथ ही साथ उस राज्य में जितने लोग हैं उन्हें अनाज कैसे प्राप्त होगा, किनको किनको अनाज देना चाहिए, आप जानते हैं कि जिनका बीपीएल धारक है, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्हें सरकार अनाज देती है 2-4 रुपए किलो, है ना। तो इस तरह करके ये जो अनाज जो सरकार दे रही है ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार दे रही है, यानी कि 2011 के बाद जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आए उनको कोई अनाज नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इस तरह करके भारत में अभी कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे होने के बावजूद उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा है। साथ में बात करेंगे साथियों कि स्कूलों में जो मिड डे मील है ना, स्कूलों में जो मिड डे मील है वो उस समय के आंकड़ों के हिसाब से ही प्रोवाइड किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि समय से अगर सेंसस हो जाए, यानी कि समय से अगर जनगणना अगर हो जाता है तो उस देश की इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा वो महत्वपूर्ण हो जाता है ना। जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है उस देश की सोशल वेलफेयर के लिए और उसकी इकोनॉमी के लिए। लेकिन भारत जैसे देश में भाड़ में जाए इकोनॉमी और भाड़ में जाए सोशल
वेलफेयर, क्योंकि यहां पे भैया अपने फायदा से मतलब। तो वही हुआ कि कोविड का बहाना दे दिया सरकार ने कि भैया कोविड 19 आ गया है तो हम लोग जो है जनगणना नहीं कर सकते, और इसी का परिणाम रहा कि 150 सालों में जनगणना के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब जनगणना को टाल दिया गया, है ना, इतने इंपॉर्टेंट इशू को टाल दिया गया। लेकिन भैया लोकसभा का चुनाव हो गया 2019 में, लाखों की भीड़, पोस्टर बटे, प्रचार प्रसार सब हुआ, और ना जाने कहां से लाखों की भीड़ आ गई, और कोई कोविड का जितने भी पालन थे कि आपको दायरे में रहना है, मास्क पहनना है, सब कुछ खत्म। सब कुछ जब तक इलेक्शन चला तब तक सब कुछ खत्म। कितनी खुशी की बात है बता, कितनी खुशी की बात है कि हमारे लोग इतने ज्यादा, हमारी जो सरकार है हमारे बारे में इतना सोचती है। हम लोग सिर्फ कीड़े मकोड़े की तरह है उस सरकार के लिए, बस इतना आप याद रखेंगे। सब अपना पेट देखता है इस जमाने में, तो आप भी अपना पेट देखिए और उसको सुनिए जो आपके लिए बेहतर करेगा, क्या समझिए। और ऐसे भी हम लोग किसको चुने बताइए ना, ये भी तो एक परेशानी है ना, दोनों तरफ से फंस जाते हैं, जिसको चुनते हैं वो बीमार निकल जाता है। हमारी भारत की मिट्टी शुरू से ही कलंकित हो रही है। मुझे तो अफसोस होता है कि क्या ये वही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस वाला देश है कि जब हमारे देश में मिसाल दी जाती थी, भारत कभी अखंड भारत हुआ करता था, भारत की मिसाल संपूर्ण विश्व में दी जाती थी, भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था, जिसकी ईमानदारी की और पराक्रमी और वीरता की और प्रशासन की तारीफ दुनिया भर में होती थी। यहीं पे सम्राट अशोक जैसे महान शासक हुए थे। और जब हम लोग देश के आज के प्रजातंत्र के बारे में बात करें तो हमारा मनोबल टूट जाता है कि जिस सरकार, सरकार मतलब क्या हुआ, हमारा ऊपर वाला हमारे लिए तो भगवान की तरह है ना, आम प्रजातंत्र के लिए। लेकिन अगर आपका ईश्वर ही आपके साथ सही नहीं करे तो आप कहां पे जाएंगे बताइए। तो कहीं ना कहीं एक देश को डेवलप करने की जिम्मेदारी उस देश की सरकार की होती है। अरे ये कितने गर्व की बात है कि मैं अपने देश को लीड कर रहा हूं, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मेरे देश को मैं अपने पूरे विश्व स्तर तक में उसके पहचान दिलाऊं। मेरी ये जिम्मेदारी है कि मेरे देश की पहचान, मेरी देश की गरिमा मैं संपूर्ण विश्व के पास जा करके रखूं। हमारे ही देश में एक संत हुआ करते थे जो मेरे आदर्श है, स्वामी विवेकानंद, जिनके पॉकेट में एक रुपये नहीं था, लेकिन तब भी वो अपने हिंदू, अपने सनातनी धर्म का प्रचार करने के लिए और अपने हिंदू सभ्यता और संस्कृति की पहचान करने के लिए अमेरिका की धरती तक चले गए थे, रास्ते में निकल गए। इसीलिए मैं बोलता हूं उन्हीं से मैंने जीवन में एक सीखा कि कभी कभी रास्ते और सफर आंख मूंद करके भी तय कर लिए जाते हैं। पॉकेट में पैसा नहीं है क्या दिक्कत है, निकल जाओ, कोई ना कोई मदद करने वाला मिल जाएगा, और नहीं मदद करने वाला मिला तो हम अपनी मदद खुद कर लेंगे। तो हमारे इस महान देश में ना जाने कैसे ये बेईमानी और भ्रष्टाचार घुस पड़ी। मुझे तो कभी कभी देख करके या सुन करके बड़ा चिंता होता है, बड़ा घबराहट होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आम पब्लिक है, हम लोग लोगों की आलोचना ही कर सकते हैं, सरकार की बातें ही बता सकते हैं, हमारे पास पावर तो है नहीं। और पावर अगर दिखाने का प्रयास करेंगे तो हमें भी जेल की कोठरी में डाल दिया जाएगा। खैर कोई बात नहीं साथियों, है ना, आगे समझिए। देखिए एक देश है अमेरिका जिसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बोला जाता है, यह भी एक देश है। इसने अपने देश की गरिमा देखिए, इनको कितनी अपने देश से प्यार है कि कोरोना का जब पीक था, जब दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस अमेरिका से निकल करके आ रहे थे, उस कोरोना के पीक में इन्होंने जनगणना करवाई। एक चाइना भी है, इसने भी अपना, देखो ये लापरवाह है दुनिया के प्रति लेकिन अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क है, तो इसने भी अपने देश का जनगणना करवाया। 2011 में जब देश की जनगणना हुई थी उस समय देश की आबादी थी 121 करोड़। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक भारत की जनगणना 166 करोड़ हो जाएगी और वही चीन की जनगणना 131 करोड़ रहेगी। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हम लोग बनने वाले हैं। फिलहाल अभी तो दूसरे हैं, मुझे तो लगता है जनगणना हो जाएगा तो क्या पता पहले ही हो गए होंगे, है ना, क्योंकि हमें, मुझे इनके आंकड़ों में, इनके अनुमान में मुझे भरोसा नहीं है, ठीक है। आगे समझिए साथियों, 2011 में देश की आबादी थी 121 करोड़, लेकिन अब यह 18% बढ़ गई है, यानी कि वर्तमान में देश की आबादी जो है 140 करोड़ से ज्यादा है। अब तो यह जनगणना के बाद ही पता चल पाएगा कि देश की आबादी कितनी है और देश में गरीबी कितनी है, देश में किस तरह से लोगों को देखना है, और जातिगत जनगणना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह तो समय और वक्त ही बताएगा। खैर जो भी हो उसकी डिटेल में आप लोगों के बीच जरूर लेकर के आऊंगा। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोगों को सारी बातें समझ में आया होगा कि जनगणना देश में क्यों नहीं हो रहा है, जनगणना से संबंधित क्या क्या परेशानी है, केंद्र सरकार की क्या चाल है और केंद्र सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। साथ ही एक बात बताना चाहेंगे कि SBI झारखंड, ये झारखंड का एक ऑफिशियल संस्था है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करवाता है, जहां पर मैं और मेरी टीम
संपूर्ण भारत और झारखंड के राज्य स्तर की परीक्षा और भारत के सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से करवाते हैं। तो SBI झारखंड हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, उस ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पर सभी अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो वहां से आप लोग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। जय हिंद।